और अब एक बड़ी खबर पंजाब के फिरोजपुर से, जहां पर एक बार फिर से टिफिन में बम बरामद हुआ है। 2 महीने में चौथी बार टिफिन बम मिला है। टिफिन में मिले हैंड ग्रेनेड की जांच जारी है। 50 किलोमीटर के इलाके में बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पंजाब के फिरोजपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से टिफिन बम की बरामदगी हुई है। 2 महीने में यह चौथी घटना है जब टिफिन बम बरामद किया गया है। बीएसएफ ने अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, पंजाब के फिरोजपुर से 50 किलोमीटर के इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। लाहौर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर बीएसएफ की टुकड़ियां अलर्ट पर हैं। सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट रहती हैं, लेकिन शनिवार को इस इलाके में एक बार फिर हैंड ग्रेनेड मिलने की वजह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे पर हैंड ग्रेनेड को प्लास्टिक के बॉक्स में छिपाकर रखा गया था। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की इस पर नजर पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई। एक्चुअली वहाँ पर प्लांटेशन चल रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने देखा भी एक पेड़ के छोटे से जो पौधा लगाया गया पेड़ों में, उसके पास एक लिफाफे के अंदर एक डब्बा टाइप था जो काफ़ी हैवी था। उनको डाउट हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब जाके देखा तो उसके अंदर एक ग्रेनेड जो है वो पड़ा था। कोई इसके ऊपर अभी स्टैंपिंग नहीं है। हमने जो है इसकी FIR जो है वो सदर जीरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस इलाके में इस तरह के हथियार बरामद हुए हों। यहाँ पहले भी कई बार हथियारों का जखीरा बरामद हो चुका है। सीमा के बेहद करीब होने की वजह से पाकिस्तान और उसके गुर्गे यहाँ आतंकी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हमारे एजेंसियों की मुस्तैदी से हर साजिश नाकाम कर दी जाती है। और यही वजह है कि पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हाल ही में भारत सरकार ने बीएसएफ के दायरे को 50 किलोमीटर और बढ़ा दिया। तो हमारा इलाका जो आईबी से लेके अप टू 50 किलोमीटर का इलाका दिया गया, उसमें हम पुलिस के साथ मिलकर कुछ सर्चिंग जो बॉर्डर में स्मगलिंग वगैरह हो रही है, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, कई जगह नाका लगा रहे हैं जॉइंट पुलिस के साथ में, और जो यहाँ के स्मगलों के जो रूट बन रहे हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान जो अनवांटेड जो व्हीकल थे उनको हमने चेक किया है, और कुछ पुलिस के साथ मिलकर इनको व्हीकल को भी चेक किया। 15 सितंबर को जलालाबाद ब्लास्ट के बाद फिरोजापुर और जलालाबाद से अभी तक 4 टिफिन बम मिल चुके हैं और अब जीरा से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। जलालाबाद ब्लास्ट में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे मामले की जांच NIA कर रही है। पंजाब और राजस्थान सीमा पर सख्त चौकसी है। वहीं घाटी में सेना के ऑपरेशन से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि आतंकी संगठन किसी भी रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश में है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से आतंकी संगठन नापाक मंसूबों को अंजाम देने में नाकाम है। टीम न्यूज़ नेशन।